हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निम्बेकर व्लॉग्स। आशा है आप सब अच्छे से होंगे। मैं आपका दोस्त रविंद्र कुमार निम्बेकर भी अच्छे से हूँ। तो फ्रेंड्स, आज पिछले व्लॉग में आपने देखा एपिसोड 5 में कि हम फतेह सागर लेक के किनारे सारी एक्टिविटीज़ का आनंद ले रहे थे। आपने भी उनको देखा और आनंद किया होगा। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे फतेह सागर लेक के किनारे सहेलियों की वाड़ी, यानी कि एक ऐसा उद्यान जिसको महाराणा प्रताप के पूर्वज यानी कि महाराणा सांगा जी ने, यानी कि संग्राम सिंह जी ने बनवाया। जब उनकी शादी हुई तो उनकी पत्नी के साथ में 48 दासियां आईं, तो उन्होंने उन सभी शाही महिलाओं के लिए एक उद्यान बनाया जिसमें वो तीनों मौसम को प्राकृतिक तौर पर वहाँ आनंद उठा सके। यानी कि एक ऐसे तीन मौसम बना दिए उस उद्यान में कि रानी जिस मौसम का आनंद उठाना चाहे वो उठा सकती है। तो भाई साहब, आप भी देखेंगे कि महाराणा सांगा जी ने वो कैसे बनाया होगा, उन्होंने स्वयं उसको बनवाया, तो आप भी देख के हैरान हो जाएंगे, वो ऐसी जगह है। तो आज हम करेंगे एक्सप्लोर उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी, एक यानी कि उद्यान को। तो चलें दोस्तों, करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो लेट्स गो। अभी हम सहेलियों की बाड़ी देखने के लिए अंदर आ चुके हैं। यहाँ लेते हैं टिकट और यहाँ हमने कर लिए हैं गवर्नमेंट के गाइड, जो हमसे 250 चार्ज करेंगे। तो जब भी आप यहाँ आओ तो आप गाइड कर सकते हैं, जिससे कि आपको अंदर जाके सब चीज़ों को अच्छी तरह से बता सके और आपको दिखा सके। ये अभी हम आ गए विंडो पे, यहाँ से मिलेगा टिकट। 720 रुपीज़ का एक पर्सन का टिकट है, ले लो दो टिकट। एक बंदे का 20 है, 40 रुपीस। एक दो तीन चार पाँच छः, सर दो दे दो, हो गया सर। ये पर पर्सन 20 रुपीज। फिर अभी चलते हैं अंदर, पहले इसका तो निकल। चलो भैया, जो बता रहा हो। तो दोस्तों, अभी हम लोग कर रहे हैं अंदर एंट्री और दिखाते हैं आपको सहेलियों की बाड़ी। गाइडिंग करने 150-200 रुपए देने, जो भी तो अंदर का भी है। इस तरह का कहाँगे हमारे सर जी, आगे चले गए क्या? आ जाओ जी सर, आइए। सहेलियों की बाड़ी को पूरा घूमने के लिए कर लिए हैं गाइड। आपका सर क्या नाम है? नाम है जगदीश नारायण शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ द टूरिज्म से गाइड हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए सर, तो अभी हमको पूरा घुमाएंगे, समझाएंगे, इसलिए किया है कि जब कभी भी आप यहाँ घूमने के लिए आएँ तो आपको सारी चीज़ों का पता हो और आप भी यहाँ गाइड करके सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लें और देख लें और पूरा इन्जॉय करें। जी सर, देखिए उदयपुर शहर को तीन नाम से जाना जाता है, वाइट सिटी, लेक सिटी एंड जिंक सिटी। देखिए वाइट सिटी शहर को इसलिए बोलते हैं, पर्टिकुलर अभी आप जहाँ खड़े हैं, ये कभी मेवाड़ स्टेट हुआ करता था, महाराणा प्रताप की पावन भूमि है। हम लोगों ने कभी भी मुगलों की, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, हम स्वतंत्र लोग हैं, हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, इसलिए इसको वाइट सिटी बोलते हैं। जी जी सर, लेक सिटी शहर को बोलते हैं। हाँ, आ जाओ, बोलते रहो। के चारों तरफ लेक है, टोटल मेन लेक है। आप लेते रहो, सीमा लेते रहो। हाँ जी, हाँ जी, कोई भी नेचुरल लेक नहीं है। हाँ, और जितना भी लेक है ना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जी सर, जो वाटर सेवर सिस्टम है वो वर्ल्ड फेमस है। हाँ जी, और थर्ड ग्रीन सिटी शहर को इसलिए बोलते हैं, नाम सुना होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत अधिक मात्रा में जिंक निकलता है, इसलिए इसको जिंक सिटी भी बोलते हैं। गार्डन जो आप विजिट करने के लिए आए, गार्डन को बोलते हैं सहेलियों की वाड़ी। सहेली मीन सखियां, मेवाड़ी भाषा में वाड़ी को बोलते हैं गार्डन।
1710 से 1734 के बीच में महाराणा संग्राम सिंह सेकंड 9 नंबर के जो किंग थे, प्रेजेंट टाइम जो जनरेशन चल रहा है वो 24 जनरेशन चल रहा है, 24वीं पीढ़ी चल रही है, जिनके आगे लगता है श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़, उनके आगे महाराणा नहीं लगता, महाराणा सिर्फ उन लोगों के आगे लगा करता था जो फाइट करने के बाद विजय प्राप्त करके राजगद्दी पर बैठा करते थे। तो 9 नंबर के जो किंग थे महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, उनके 7 क्वींटी ऑफ 1 प्रिंसेस थी, 7 रानियों में एक राजकुमारी थी। देखिए 300 साल पहले रॉयल फैमिली में, राजपूत कम्युनिटी में क्या हुआ करता था, कवर्ड इन क्लॉथ पर्दा सिस्टम हुआ करता था, जिससे रॉयल फैमिलीज की लेडीज एंड प्रिंसेस को पहले से फ्रीडम महसूस नहीं होता था। तो उन लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि हमारे आमोद प्रमोद के लिए, सहेलियों के साथ एंजॉय के लिए इस टाइप के गार्डन का निर्माण कराया जाए जिसमें कुछ फाउंटेन हो और अकॉर्डिंग टू वेदर, मौसम के अनुसार अलग अलग स्पेशलिटीज हो। फर्स्ट फाउंटेन इज द वेलकम फाउंटेन, रॉयल फैमिलीज की लेडीज एंड प्रिंसेस की बग्गियाँ बाहर आकर रुकती थी, दासियाँ गेट खोलती थी, उन लोगों का वेलकम होता था, आज आप लोगों का वेलकम है। सेकंड थिंग, इस गार्डन के अंदर आप जितने भी फाउंटेन देख रहे हैं इसके अंदर कोई भी मोटर मशीन वर्क नहीं करती है, ये टोटल ग्रेविटी प्रेशर से रनिंग करता है। 90 फीट हाइट के ऊपर लेक फतेह सागर है, 90 फीट डीप पर सहीलों की वाड़ी है, 312 साल पुराना कॉपर का पाइपलाइन डाला हुआ है जिससे ये रनिंग होता है, क्योंकि 1734 में इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी आया 1935 में, तो ये 37 से वर्क कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली G20 होने के कारण, अभी साफ सफाई चलने के कारण जो फाउंटेन अभी रनिंग कंडीशन में नहीं है। तो फर्स्ट फाउंटेन इज द वेलकम फाउंटेन, पहले रॉयल फैमिलीज की लेडीज एंड प्रिंसेस का वेलकम होता था, आज आप लोगों का वेलकम है, प्लीज कम आइए। फाउंटेन को बोलते हैं बिन बादल बरसात, विदाउट क्लाउड रेन। देखिए स्क्वायर के अंदर जितने भी फाउंटेन लगे हुए हैं ना, जब ये रनिंग कंडीशन में होते हैं तो इनसाइड गिरते हैं, और सामने जो ये देख रहे हैं ना ऊपर छज्जा जो देख रहे हैं, ये टू लेयर्स में, टू पार्ट के अंदर है, इसके होल में से पानी नीचे होकर गिरता है जिससे अपने को बिल्कुल हैवी रेन महसूस होता है। तो रॉयल फैमिलीज की लेडीज एंड प्रिंसेस की रिक्वायरमेंट थी समर के अंदर हैवी रेन, उसमें हमको स्विमिंग करना है, पूरे स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ। ये देखिए उदयपुर का फर्स्ट स्विमिंग पूल है जो 1734 के अंदर बना, और दोनों साइड में झरोखे देख रहे हैं आमने सामने, ये दासियों की बैठने की जगह है, और वो सामने जो रूम देख रहे हैं जो कलांगन लिखा हुआ है वो चेंजिंग रूम है, जब रॉयल फैमिलीज की लेडीज एंड प्रिंसेस नहाकर जाया करती थी। यस, कलांगन सामने जो देख रहे हैं ना, जो रूम देख रहे हैं वहाँ पर सामने दरवाजे लगे हुए हैं, वो चेंजिंग रूम है, जब रॉयल फैमिलीज की लेडीज एंड प्रिंसेस नहाकर जाया करती थी वहाँ चेंज हुआ करता था, इसलिए फाउंटेन को बोलते हैं बिन बादल बरसात, विदाउट क्लाउड रेन। आपको सबको समझाने का प्रयास करेंगे, ये बिन बादल बरसात जो फाउंटेन है उसके इनसाइड कनांगन है, उसमें फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसके अंदर पेंटिंग के माध्यम से बता रखा है पूरा, सहेलियों की वाड़ी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो पेंटिंग के माध्यम से इनसाइड बता रखा है, इनसाइड फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अरे सर बहुत जबर, जब अगर फाउंटेन नहीं चल रहे, फाउंटेन चल रहे होते तबीयत प्रसन्न हो जाती है आपकी यार। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए फाउंटेन को बोलते हैं सावन भादो जी,
पहले मैं आपको इस पर बता दूं, देखिए राउंड सर्कल में जितने भी देख रहे हैं ना टोटल फाउंटेन लगे हुए हैं और उसके बैक साइड में सब ताड़ के पेड़ हैं। ताड़ के पेड़ क्यों लगाए गए? देखिए जब फाउंटेन का पानी पत्तों के ऊपर गिरता है ना तो बिल्कुल ऐसा साउंड फील होता है जैसे सावन भादो के महीने में बारिश होता है, रिम जिम रिम जिम रिम जिम, है ना। इसलिए देखिए फाउंटेन को बोलते हैं सावन भादो। देखिए रॉयल फैमिलीज की लेडीज एंड प्रिंसेस की फीलिंग थी, साल के किसी भी महीने में हम सहेलियों की वाड़ी में सहेलियों के साथ एंजॉय करने के लिए आते हैं तो हमको सावन भादो का मौसम चाहिए, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी में मोस्टली लेडीज की इच्छा होती है सावन के महीने में झूला झूलने की, स्विंगिंग, हरियाली तीज पे झूले पड़ते हैं ना, तो रॉयल फैमिलीज की लेडीज एंड प्रिंसेस जो है यहाँ पर आया करती थी और यहाँ पर उनके लिए फोल्डिंग झूले पड़ा करते थे, झूला झूल कर एंजॉय किया करती थी। आर्किटेक्चर देखिए, राउंड सर्कल में टोटल फाउंटेन लगे हुए हैं, बैक साइड में सब ताड़ के पेड़ हैं। जब फाउंटेन के जब पत्तों के ऊपर पानी गिरता है ना फाउंटेन का, तो बिल्कुल ऐसा साउंड आता है जस्ट लाइक ए रेन फॉरेस्ट ड्रिजलिंग स्प्रिंग, जैसे सावन भादो के महीने में बारिश होती है, इसलिए फाउंटेन को बोलते हैं सावन भादो। देखिए फाउंटेन को बोलते हैं लोटस फाउंटेन कमल तलैया, बट ये लोटस नहीं है, ये है वाटर लिली। पहले लोटस ही हुआ करते थे, बट लोटस जो होता है वो सीजनल होता है, वो चार महीने चलता है फिर खत्म हो जाता है, गंदगी हो जाती थी, गवर्नमेंट ने डाल दिया इसमें वाटर लिली। ये बारहमासी हरा रहता है और इसमें फूल आते रहते हैं, खूबसूरत लगता है। सेकेंड थिंग फोर एलिफेंट देख रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कंपास में देख सकते हैं एग्जैक्ट, अगर आर्किटेक्चर देखना है तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और 312 साल पुराना आर्किटेक्चर। देखिए सिंगल पीस मार्बल एलिफेंट, देखिए इसके पैर में से होल किया है, सिर के अंदर होके सूंड में से निकाला गया है। फोर एलिफेंट एंड फोर लायन, सामने देखिए सर फोर लाइन, देखिए जब ये लेक से कनेक्ट होता है ना और लेक फतेह सागर फुल होता है, उस पोजीशन में क्या होता है, इसकी सूंड से जो पानी निकल रहा है ना वो डायरेक्ट शेर के मुंह में देखने को मिलता है, जस्ट लाइक ए स्केल ऑफ द लेक फतेह सागर। ये राजा लोगों का मेजरमेंट था, यहीं से पता कर लिया करते थे लेक में कितना पानी है, अगर लेक फतेह सागर फुल है तो इसके सूंड का पानी डायरेक्ट शेर के मुंह में, और जैसे जैसे लेक का वाटर लेवल डाउन होता जाता है ऐसे ऐसे ये फाउंटेन पीछे होते जाते हैं। सेकेंड थिंग, 300 साल पहले रॉयल फैमिली में जब भी कोई सेलिब्रेशन होता था या बर्थडे होता था, संग्राम सिंह सेकंड का सिंहासन देखिए सामने व्हाइट मार्बल का, संग्राम सिंह सेकंड उनकी क्वीन वहाँ बैठा करती थी, प्रिंसेस शकुंतला देवी सिटिंग देयर कवर्ड इन क्लॉथ ऊपर जरोखे में, और उनकी जो सहेलियाँ होती थी ना, राजस्थानी ट्रेडिशनल डांस होता है घूमर, बड़े घेर का अस्सी गली का लहंगा पहनकर गोल सर्कल में नृत्य होता है, पूरे गोल सर्कल के अंदर घूमर नृत्य हुआ करता था, इसलिए फाउंटेन को बोलते हैं लोटस फाउंटेन कमल तलैया। देखिए फाउंटेन को बोलते हैं रासलीला, यू नो रासलीला, रासलीला इज द 5000 ईयर ओल्ड प्रोसेस है ना। देखिए अभी राउंड सर्कल के अंदर टोटल फाउंटेन लगे हुए हैं, बट ये रनिंग कंडीशन में नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी 565 रियासतें थी 1956 के बाद गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली थी, राजा लोगों का वर्चस्व खत्म हो चुका था, इसलिए अभी फाउंटेन का कोई यूज नहीं है। अभी तक आप लोगों ने जितने भी फाउंटेन देखे ना, जब वो लेक से कनेक्ट रहते हैं उनका हाइट रहता है 12-15 फीट, सबसे हाईएस्ट हाइट रहता है इसका 20 फीट, और इस फाउंटेन की मेन स्पेशलिटी है नीचे से पिचकारी छूटती है ऊपर जाके खिल जाता है जैसे दीपावली पे अनार चलता है। अब होली मोस्टली मार्च में आया करती है, यहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी होती है, पुरवाई हवाएं बहुत तेज़ बहती है, तो रॉयल फैमिली का जब यहाँ होली महोत्सव हुआ करता था, होली खेलते समय उनको गर्मी फील नहीं हो। आर्किटेक्चर देखिए, फाउंटेन का हाइट है 20 फीट, उसके बीच में से ठंडी ठंडी पुरवाई हवा बहकर आया करती थी, जस्ट लाइक ए कूलिंग सिस्टम, जिससे उनको होली खेलते समय गर्मी फील नहीं हो। और नवरात्रि के अंदर यहाँ पर डांडिया जो होता है ना, वो भी रासलीला का सेकंड रूप होता है, और अपन जो होली खेलते हैं वो भी रासलीला होती है, इसलिए फाउंटेन को बोलते हैं रासलीला। यस, बहुत बढ़िया, बोले नहीं साहब हमारा है ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 2-5 के चक्कर में मैंने क्या कि 2-5 चल रहा है। यस यस।
वहाँ पे बहुत राइड होते हैं। सर आपका नाम है? विजय शर्मा। विजय शर्मा, आपने इन सब बच्चों को यहाँ गाइड के तौर पर सबको समझाया और सबको घुमाया, तो सारे बच्चे खुश हैं? यस सर। वॉचिंग, आशा है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक भी कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं और कल हम आपको मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।